हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल स्किल टेक्नो चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जो अप्रेंटिस के लिए एक नोटिफिकेशन दिया गया था। अभी वैकेंसी तो फ़िलहाल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, लेकिन नोटिफिकेशन आया था तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ उसका सिलेबस क्या होता है। आप सभी को पता होगा, जिन लोगों ने नोटिफिकेशन वाली वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप टेक्निकल ट्रेड फिटर की तैयारी करना चाहते हैं तो उस बुक का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उस किताब को आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं सिलेबस आपको यहाँ पर दिखाना वाला हूँ, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल अप्रेंटिसशिप एग्ज़ाम 2019 ITI कैंडिडेट के लिए है ये। उसके बाद मैं नॉन ITI कैंडिडेट के लिए भी बताने वाला हूँ। तो जो ITI के कैंडिडेट हैं उनके लिए इंग्लिश आती है, GK आती है, मैथ आती है एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड आता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन, ये जो पार्ट ए होता है इसमें कुल मिलाकर के 4 सब्जेक्ट होते हैं और टोटल 60 क्वेश्चन बनते हैं। 4 सब्जेक्ट में 60 क्वेश्चन बन के उसके बाद जो है आपका टेक्निकल जो पार्ट बी आता है इसमें 90 क्वेश्चन होते हैं। कुल मिला के आपके 150 नंबर के 150 क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, टोटल ऐड किया जाएगा तो 150 हो जाएगा। अब ये आपको बता दूं कि इंग्लिश, GK, मैथ एंड एप्टीट्यूड ये कितने कितने का होता है, तो ये 15 नंबर का होता है। टोटल सेम होता है, 30 का ये दो हो गया, 30 का ये दो हो गया। उसके बाद टेक्निकल ट्रेड से जो है आपकी जो पिटर, इलेक्ट्रिशियन, मोटर मैकेनिक, वेल्डिंग, पेंटर जो भी होती है उससे 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 90 ही नंबर के होते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया है ITI कैंडिडेट के लिए। अब उन कैंडिडेट की बता दूं जो नॉन ITI से हैं, यानी 10+10 केवल 10th वालों के लिए, तो उनके लिए जो यहाँ पे आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉन ITI एप्टीट्यूड अप्रेंटिस एग्जाम पैटर्न सिलेबस फॉर नॉन ITI। नॉन ITI के लिए क्या पूछा जाता है ये भी आप देख लीजिए। उनके लिए कोई भी टेक्निकल पार्ट नहीं पूछा जाता है, ओनली नॉन टेक्निकल आता है। एक तो इंग्लिश आता है, GK आता है, मैथ आता है, एप्टीट्यूड आता है, यानी रीजनिंग पूछी जाती है आपसे। ये टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 150 नंबर के और 3 घंटे का होता है। यहाँ पे भी मैं आपको बता दूँ जो इनका टाइम है वो 3 घंटे होने वाला है और इसका भी टाइम जो है 3 घंटे होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दो पार्ट और ये दो पार्ट मिलके बना होता है। अब मैं आपको बता दूं ये और ये कितने नंबर के आते हैं, अनुमानित के हिसाब से बताने वाला हूँ क्योंकि अभी क्लियरली मुझे भी नहीं पता है। फिलहाल ये सिलेबस इस टाइप से आता है, इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतने टाइम में पूछे जाते हैं, ये सब्जेक्ट होता है। तो मैं बता दूँ ये 50 का आता है टोटल, ये 100 का आता है, या इसे आप 60 का मान लीजिए, इसे 90 का, इतना डिफरेंस हो सकता है, बाकी इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, बाकी सेम सब्जेक्ट, सॉरी सेम सिलेबस है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली बेल आइकन को अवश्य दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।